आज की हमारी इस क्लास में रोहन जी के साथ हम बात कर रहे हैं डेटा टाइप्स। जी हाँ, वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग के अंदर जो डेटा टाइप्स होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल, सब्जेक्ट डालते हैं और आर। आपने लास्ट टाइम या कभी भी बहुत जगहों पे या कि इंटरनेट में या फिर चैट जीपीटी पे जब आप कोई कोडिंग का सोल्यूशन खोजते होंगे तो आपको इस तरह का वेरिएबल दिखता होगा कि डिम आर एज ए रेंज, आर एज ए इंटीजर, आई एज ए कुछ भी, इस तरह से आपको मिलता हो। देखिए ठीक है, तो है क्या, चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या, इसकी जरूरत क्यों है और इसमें कितने तरह के टाइप्स, तीन चीजों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है क्या, इसको बोलते हैं डेटा टाइप्स या वेरिएबल। आम बोलचाल की भाषा में बताऊं इसको तो इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परली सेविंग लोकेशन, टेम्परली सेविंग लोकेशन। अब टेम्परली क्यों बोला, क्योंकि इसका अस्तित्व तभी तक होता है जब तक हमारा माइक्रो रन हो रहा है। माइक्रो जैसे स्टॉप हुआ इसका अस्तित्व हट जाता है, इसलिए टेम्परली सेविंग लोकेशन। अब डिम क्या है, डिम फॉर डायमेंशन। आर क्या हो गया, आर हो गया उस डायमेंशन का नेम, कि हार्ड डिस्क के किसी डायमेंशन में आर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट होगा जो कि इंटीजर क्या हुआ, कास्ट हुआ, कि इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर करे। ठीक है, तो डिम हो गया, जैसे सब होता है सब्जेक्ट, ऐसे डिम हो गया डायमेंशन। आर नाम, आर के जगह पे एबीसीडी एक्स वाई जेड जो भी देना चाहे दे सकते हैं। एज ए हो गया टाइप या कास्ट, इस आर के ऊपर किस तरह का डेटा स्टोर होगा। समझ में आया आपको ये? अब क्वेश्चन आता है कि इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत क्या है। अब चलिए इसकी जरूरत की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे 50+60 करना है, तो इक्वल 50+60 करके एंटर मारा तो रिजल्ट कहाँ होल्ड हुआ, C3 पे होल्ड हुआ। तो C3 क्या है, एक स्टोरेज लोकेशन है जिसका एक एड्रेस है कि एक्टिव बुक वन के C1 के C3, राइट। उसी तरह से अगर मान लीजिए VBA में 60+60 करें तो इसका रिजल्ट 110 कहाँ स्टोर होगा, 110 स्टोर कहाँ होगा, नहीं है ना। इसको स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल लें, क्या लेंगे, वेरिएबल लेंगे। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगहों पे मैं वेरिएबल डिफाइन ही नहीं किया, क्यों नहीं, तो क्यों नहीं किया, क्योंकि टूल्स के अंदर ऑप्शंस में यहाँ रिक्वायर्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन अनचेक्ड होता है, तो हम कोई जरूरी नहीं है इसको करना। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वेरिएंट ले लेगा, आगे चल के प्रॉब्लम होगा। ऐसा नहीं कि डिक्लेयर नहीं कीजिएगा तो काम चल जाएगा, नहीं, प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो यहां पर दो क्वेश्चन को सॉल्व किया, कि पहला कि है क्या डेटा टाइप्स, दूसरा जरूरत क्यों है, क्योंकि आप अब वीवीए के अंदर कोई कैलकुलेशन, कोई इनपुट, कोई रिजल्ट आप लेते हैं उसको आगे कहीं भी यूज करना है तो आप इसका यूज, आपको इसको एक वेरिएबल पर डिक्लेयर करना होगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे इनपुट से मंथ लेना है, उस मंथ के अकॉर्डिंग रिपोर्ट बनानी है, तो इनपुट और मंथ में 8 जगह यूज करने वाला हूं। जो यूजर इनपुट करेगा मंथ उसको 8 जगह यूज करने वाला हूं। तो मुझे अगर मैं वेरिएबल डिक्लेयर ना करूं तो क्या होगा कि मुझे इनपुट से 8 बार इनपुट लेने पड़ेंगे इनपुट बॉक्स से। ऐसे अगर वेरिएबल डिक्लेयर करूं तो इनपुट बॉक्स से एक इनपुट बॉक्स से ले लिया और हम वेरिएबल पे डाल दिए, जहां जरूरत करना वहां जरूरत कर दिए। जैसे यहाँ पे मुझे MSG बॉक्स के अंदर हमने क्या कर दिया, आर को यूज कर लिया, तो देखिए आर शो करेगा। अब ऐसा नहीं है कि ना, हम डायरेक्ट इसको यहां भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट यहां भी हम डाल सकते हैं, लेकिन रीजन प्रॉब्लम क्या होगा,
नहीं एडिशनल नहीं बता रहा हूं। अब मुझे मान लीजिए कि मुझे जो आर की रिजल्ट है उस पे 10 जोड़ के फिर शो करना है, तो फिर से मुझे MSG बॉक्स के अंदर 50+60+10 करना होगा, मतलब वो कैलकुलेशन दोबारा रिपीट करना होगा। अगर हम वेरिएबल पे स्टोर करेंगे तो आर लिख देंगे, तो आप बोलेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है, कर लेंगे। ये तो छोटा सा कैलकुलेशन है इसलिए कर रहे हैं ना एग्जाम्पल में, लेकिन आप अज्यूम कीजिए, इमेजिन कीजिए कि एक यहाँ पे मान लीजिए 3 लाइन 4 लाइन का कोड है, नेस्टेड इफ लगा रखे हैं, नेस्टेड व्हील लुकअप लगा रखे हैं, क्या तो प्रॉब्लम होगी ना। हाँ, तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि वेरिएबल्स की जरूरत क्यों है। अब बात करते हैं कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। सबसे पहले करते हैं डिम बी एज ए बाइट, क्या होता है, बाइट होता है। फिर होता है डिम, यहाँ पे बी एल एज ए बुलेन, क्या होता है, बुलेन होता है। फिर डिम आई एज ए इंटीजर, आई एज ए इंटीजर, इंटीजर। फिर आता है डिम एल एज ए लॉन्ग, फिर डिम आता है डी टी एज ए डेड, फिर आता है, नहीं डबल भूल गया मैं, हाँ यहाँ पे डबल भी होता है, डिम डी एज ए डबल, डेड आता है डिम एस एज ए स्ट्रिंग, और भी होते हैं लेकिन फिलहाल इतना ही समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज को समझिए कि इतने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, लेकिन इतने तरह के डेटा टाइप होते क्यों हैं, इन में क्या फर्क है, तो फर्क समझते हैं। पहले फर्क समझते हैं कि बी जो बाइट है वो अपने ऊपर बी इक्वल टू 0 से लेकर 255 तक की वैल्यू ही स्टोर करेगा। अगर मैंने इसके ऊपर 600 डाल दिया तो एरर आएगा ओवरफ्लो का, ठीक है, डेसिमल नहीं लेगा, निगेटिव्स नहीं लेगा, ठीक है। रियल इक्वल टू सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स लेगा, क्या लेगा, ट्रू एंड फॉल्स लेगा। अगर इंटीजर की बात करें तो -32,000 से +32,000 समथिंग, एग्जैक्ट फिगर वहां पे दिया हुआ है जो मैंने पीडीएफ बुक भेजा उसमें। एल इक्वल टू ए भी जो है आपका एक लंबा सा वैल्यू ले ले 10-12 डिजिट का, 10 डिजिट का, ठीक है। हाँ, तो यहां पे आपकी जो वैल्यू है इससे ज्यादा इसमें डेसिमल्स नहीं लेगा, ठीक है। अब डी जो है इस पे आप बड़ी वैल्यू और डेसिमल्स भी डाल सकते हो। डी टी के ऊपर आप डेट के ऊपर टेक्स्ट डेट एंड टाइम डाल सकते हो, टेक्स्ट फॉर्म में डालोगे तो अपने आप को कैलकुलेट कर, ठीक है। और एस के ऊपर स्ट्रिंग जो है हमारा, स्ट्रिंग के ऊपर किसी भी नॉन कैलकुलेटिव डेटा जिसको हम लोग टेक्स्ट बोलते हैं वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस है, इतने तरह के वेरिएबल, इतने तरह की चीजें दी क्यों गई है, हम कौन कौन सा लेंगे, डिसाइड कैसे, मतलब इसकी जरूरत क्या है। देखिए, दो केसेस की जरूरत पड़ती है, पहला है कन्वर्जन और दूसरा है आपका वैलिडेशन। जैसे अगर आप बाइक ले लिए तो जाहिर सी बात 255 से ज्यादा जाएगा नहीं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा 100-150 के आसपास माहौल रहता है, तो चलो ठीक है, आप चाहते हैं कोई 3 डिजिट मतलब 500-400 ऐसा ना डाल पा सके, बड़ा अमाउंट ना डाल सके, डेसिमल ना डाल सके, माइनस में ना डाल सके, तो हम बी बाइट ले लेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि कहीं पे अगर लॉजिकल फॉर्मा लगा रहे हैं जहां पे रिजल्ट ट्रू फॉल्स आने वाला है तो हम बुलियन ले लेंगे, छोटा मोटा अमाउंट है 25-25,000 के नीचे वाला तो इंटीजर ले लेंगे, माइनस प्लस दोनों में चलता है। बिम लॉन्ग कब लेंगे, जो माइनस प्लस में बड़ा अमाउंट डाला विदाउट डेसिमल,
अब नेशनल वगैरह है तो डबल लेना पड़ेगा, डेट टाइम के लिए तो डेट फिक्स है, और टैक्स के लिए एस स्ट्रिंग है आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ समझिए, मान लीजिए कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड नंबर है, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड नंबर को मैं लॉन्ग में तो नहीं डाल सकता ना डबल में डाल सकता, क्यों? क्योंकि तो आपका एक्सेल 15 डिजिट से ज्यादा नंबर लेगा ही नहीं, अगर 15 डिजिट से ज्यादा डालिएगा तो बाद बाकी नंबर को क्या कर देगा, वो जीरो कर देगा, ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरा होता है कन्वर्जन। देखिए यहां पे मैं बताता हूं आपको, इस सब्जेक्ट यहां पे एक लिया मैंने, अब यहां पे मैं लिख दिया MSG बॉक्स और इसके अंदर हमने डाल दिया R, ठीक है। R क्या है? तो R को मैंने डिफाइन किया कि डिम R एज ए रेंज, मैं सॉरी रेंज तो अलग हो गया, R एज ए, मान लीजिए मैंने लॉन्ग कर दिया, हाँ लॉन्ग कर दिया, तो लॉन्ग में फायदा क्या होगा कि अगर आर के ऊपर अगर मान लीजिए कि 50/12 कर दिया तो डेसिमल आएगा, आएगा ना, लेकिन आप यहां देखेंगे कि ऑटोमेटिक आपका कन्वर्ट MSG होगा ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। आप जैसे इसको रन करेंगे तो ये देखिए 4 आएगा, क्योंकि डेसिमल्स को ऑटोमेटिकली उसने क्या कर दिया, राउंड कर दिया, तो आपको अलग से राउंड फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, वे कन्वर्जेंस हो गया, ठीक है। अब बोलेंगे सर मैं कंफ्यूज हूं कि मेरा डेटा क्या, मेरा डेटा कुछ भी हो सकता है, कंफ्यूज मुझे पता है, जैसे वीलुकअप ले लीजिए, वीलुकअप का रिजल्ट तो कुछ भी हो सकता है ना सर, इनपुट भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको डिसाइड नहीं है तो आप ले सकते हैं डिम वी एज ए वेरियंट, क्या ले सकते हैं, वेरियंट। तो वेरिएंट के ऊपर जो डेटा डालेगा उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा, वो सब तरह का ऑलराउंडर है, सब कुछ कर सकता है, कीपिंग भी कर लेगा, बैटिंग भी कर लेगा, बॉलिंग भी कर लेगा, फील्डिंग भी कर लेगा, कप्तानी भी कर लेगा, और पानी भी पिला दे, थर्ड क्या बोलते हैं आपको 13 प्लेयर के तरफ पानी भी पिला देगा, सब कुछ कर लेगा। तो बोलेंगे फिर क्यों हम इसी को क्यों नहीं यूज करें, ये यूज क्यों करें? तो दो प्रॉब्लम है, पहला जो कन्वर्जेंस बताया मैंने आपको प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, दूसरा कि इसके सबके ऊपर कुछ ना कुछ साइज फिक्स है, जैसे इसके इसका 2 बाइट है, इसका 3 बाइट है, इसका 4 बाइट है, ऐसे करते करते सबका एक साइज है, ठीक है ना, जिसमें सबसे हैवी साइज आपका वी वेरिएंट का होता है 32 बाइट। अब बोले सर 32 बाइट है, मेरे पास तो 32 GB का रैम और 1.5-2 TB का हार्ड डिस्क है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि हर एक जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट का एक फिक्स साइज है जो कि है 32 255 KB। जब आप बहुत बड़ा मैक्रो लगा रहे हैं, बहुत सारे डेटा टाइप यूज कर रहे हैं और 32 255 KB से ऊपर बढ़ गया तो क्या होगा, प्रोसीजर टू लार्ज का एरर आएगा, अब वर्क नहीं करेगा, इसलिए इसकी जरूरत है। अच्छा एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, हमारी एक बैच जो है शुरू हो रही है ग्रुप बैच, तो आपके कोई मित्र हो तो उनको खबर कर दीजिएगा, एडवांस एक्सेल और वीवीए दोनों का कंबाइंड क्लास रात को 8 बजे शुरू हो रहा है, हफ्ते में 7 दिन चलेगा, 6 दिन चलेगा सॉरी, 3 दिन एक्सेल 3 दिन वीवीए, तो दोनों एनरोल कर सकते हैं या दोनों में से कोई एक एनरोल कर सकते हैं, एक ग्रुप क्लास है, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आ गया आपको, अब इसको आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, जो PDF मैंने भेजा था उसको लेके थोड़ा सा पढ़िए, उसके एग्जाम्पल को यूज कीजिए, ठीक है।